हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट साइंस, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक। इस चैप्टर में भोजन के घटक क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 जो हमने देखा था उसमें अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन होते हैं उनकी हमने क्या किया था, सूची बनाई थी जो हम भोजन के रूप में लेते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था, ठीक है। तो भारत में के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन भोजन के रूप में लिए जाते हैं। सभी राज्यों में अलग अलग एक मुख्य भोजन होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या किया है हमने पहले के चैप्टर में देखा है। तो आगे हम देखेंगे एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, भोजन अलग अलग प्रकार के आपको भोजन बताए गए हैं। अब क्रियाकलाप 1 देखेंगे। क्रियाकलाप 1 में दिया गया है आपको आम तौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारणी 2.1 हम देखेंगे। सबसे पहले सारणी 2.1 में आपको यहाँ पर क्षेत्र यानी राज्य, अन्य का व्यंजन, दाल मांस का व्यंजन, सब्जियाँ अन्य व्यंजन, ठीक है। तो राज्य में आपको दिया गया है पंजाब। इसमें जो अन्य का व्यंजन है, अन्य के जो रूप में हम भोजन लेते हैं, वो मक्के की रोटी है। और दाल या मांस का व्यंजन में राजमा, सब्जी में हम सरसों की साग और अन्य व्यंजन में दही घी। उसी तरह से दूसरा राज्य हमको दिया गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अन्य का व्यंजन है चावल। दाल या मांस का व्यंजन आपको दिया है अरहर की दाल तथा रसम यानी चारू, और सब्जी में कुंदरू और अन्य व्यंजन मट्ठा की अचार। इस तरह से आप कोई भी एक राज्य का यहाँ पे नाम लिखना है आप लेके, ठीक है। नाम लिख कर यहाँ पे आपको अन्य का व्यंजन, उसका दाल या मांस में कौन सा व्यंजन लेते हैं, सब्जियाँ क्या लेते हैं या अन्य व्यंजन आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो हमने सारणी 2.1 देख लिया। अब आगे देखेंगे हम अध्याय 1 में प्रस्तावित किया क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जो आपको ये सारणी 2.1 हमने देखा, तो कभी कभी हम इनमें से कुछ क्या होता है कि भोजन नहीं खाते, हमें नहीं पसंद होता है। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हमें से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके, ठीक है। तो कुछ लोगों को क्या होता है, इस तरह का पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो हर मतलब जितने भी टाइम वो खाते हैं तो हर टाइम वो हर अलग अलग प्रकार का भोजन ले सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो क्या होती है हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता? तो ज़रूर हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें अलग अलग भोजन हम प्रकार के भोजन लेते हैं तो उनमें से हमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार का विटामिन प्राप्त होता है जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। अब 2.1 देखेंगे, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है, तो आगे देखेंगे हम।
हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, ठीक है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में देख लिया था कि जो भोजन होता है, जो भोजन बना होता है, एक अथवा एक से अधिक जो भी होता है, एक से अधिक 2, 3, 4 कच्ची सामग्री से क्या होता है, बना होता है, जो हमें पादपों यानी वनस्पतियाँ, पौधे या जंतु से मिलते हैं, ठीक है। तो हमने देख चुके हैं ये सब कि जो हमको कच्ची सामग्रियाँ होती है वो पादपों अथवा जंतुओं द्वारा प्राप्त होती हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठन क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, ठीक है। तो जो कच्ची सामग्रियाँ होती हैं हमारे शरीर के लिए क्या होती हैं, आवश्यक घटक होती हैं, और जो कच्ची सामग्रियाँ हैं, जो घटक हैं, इनमें क्या होता है, पोषक होता है, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या हैं, देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, ये सब क्या है, हमारे शरीर के लिए मुख्य पोषक के घटक हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे जो भोजन के मुख्य पोषक क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो जल होता है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? तो आप जानना चाहते होंगे, तो जो भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं तो क्या सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ में यही पोषक तत्व, जो पोषक के घटक हैं, पाए जाते हैं अथवा कि नहीं? तो आगे देखेंगे हम, कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है, ठीक है। तो हमको एक क्रियाकलाप करना होगा, कुछ विधियां करनी होगी जिनसे हम जान सकते हैं कि जो हम कच्ची सामग्री का उपयोग कर रहे हैं अथवा तो जो पका हुआ भोजन हम आहार के रूप में ले रहे हैं, उस उनमें कौन सा पोषक का घटक है अथवा तो कौन सा पोषक है जो इसमें उपस्थित है। तो आइए देखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षकों को करके प्रेक्षणों की सारणी 2.1 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉपर कास्टिंग सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, परीक्षण करना है आपको काय के लिए, किस चीज़ का परीक्षण करना है आपको, भोजन में कच्ची सामग्री अथवा भोजन की जो पका हुआ भोजन में घटक, कौन सा घटक है, कौन सा पोषक है जानने के लिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, आपको परीक्षण करना है कि कौन से जो भोजन के भोजन है या अथवा तो कच्ची सामग्री उसमें पाया जाता है, तो आपको विधि करने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिंग सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। अब इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं, अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी कच्ची सामग्री अथवा तो पका हुआ भोजन लेना है, और आपको ये जो भी आपको मैंने वस्तुएं बताई हैं, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिंग सोडा का विलयन, इन सबको लेके आपको क्या करना है, एक क्रियाकलाप करना है और आपको जानना है और सारणी 2.2 में दर्शाना है। आगे देखेंगे हम, इन प्रेक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। आपको जो भी रसायन दिए गए हैं यहाँ पर, उनको आपको खाना अथवा चखना नहीं है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है कि नहीं।
चलिए अब हमें देखना है कि कोई खाद्य पदार्थ लेना है, उस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है अथवा नहीं। तो देखेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से खाद्य पदार्थ में मंड है, वो किस चीज़ ऊपर मंड की उपस्थिति दर्शाता है, वो हमें किस प्रकार मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्रियाकलाप दो देखना पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ पर ऊपर कुछ दिया गया है, हम वो देख लें। आयोडीन का तनु विलीन बनाने के लिए, ठीक है, जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टीचर आयोडीन की मिला दीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आयोडीन का तनु विलीन जो है, अगर आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए, कॉपर सल्फेट के लिए, कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। ठीक है, आपको समझ आ गया कॉपर सल्फेट विलयन किस तरह से आप बना सकते हो और आयोडीन का तनु विलयन बना सकते हो आप। 100 मिलीलीटर जल से 10 ग्राम कॉस्टिंग सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कॉस्टिंग सोडा विलयन भी मिल जाएगा। इस तरह से आप जो रसायन है बना सकते हैं। अब देखेंगे ये मंड के लिए परीक्षण, इसके लिए हम क्रियाकलाप दो देखेंगे। मंड के लिए परीक्षण, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। ठीक है, आपको थोड़े से प्रमाण में क्या करना है, खाद्य पदार्थ या पे कच्ची सामग्री लेनी है। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें सिर्फ आपको डालनी है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। ठीक है, आपने कच्ची सामग्री या खाद्य पदार्थ पर क्या किया है, थोड़ी सी 2 या 3 बूंदें क्या की है, तनु आयोडीन विलयन की डाल दी है। अब जिस खाद्य पदार्थ पे आपने डाला है उसके रंग में क्या परिवर्तन होता है, आपको ये नोट करना है। क्या यह नीला या काला हो जाता है, या नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। यदि उस खाद्य पदार्थ का रंग नीला अथवा काला हो गया है तो वह आपको मंड की उपस्थिति दर्शाता है, अर्थात कि उस खाद्य पदार्थ में मंड है, मंड घटक है, आप जान सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए मंड के लिए परीक्षण। यहाँ पे चित्र में आपको क्या है, एक आलू दिए गए हैं, आलू का कटे हुए आलू दिए गए हैं। आगे देखेंगे हम, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराएं और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में क्या करना है, आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रोटीन के लिए परीक्षण। अभी हमने मंड का परीक्षण देख लिया, मंड किस प्रकार पता चलेगा, अब हम देखेंगे प्रोटीन कि कौन से खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। तो इसकी जांच के लिए हम देखेंगे प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर आप कोई खाद्य पदार्थ ले रहे हैं तो वह ठोस है तो आपको क्या करना है, उसका पेस्ट अथवा चूर्ण या पाउडर बना देना है। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। ठीक है, तो क्या किया आपने, जो भी खाद्य पदार्थ लिया है उसको, अगर वह ठोस है तो क्या करना है आपको, उसको पीस कर अथवा मसल के क्या करना है, एक परख नली में डाल देना है और उस पर क्या करना है आपको, 10 बूंदें जल की यानी पानी की डालना है, उसके बाद आपको हिलाना है। अब आगे क्या होगा, अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिंग सोडा का विलयन डालिए। अब चित्र 2.2 में आपको यहाँ पर देखिए, चित्र 2.2 में प्रोटीन के लिए परीक्षण, जिस तरह से आपको यहाँ पर परख नली में कुछ खाद्य पदार्थ डाला गया है, उसके बाद आपको क्या दिया गया है, क्या डाला गया है, 2 बूंदें कॉपर सल्फेट की और 10 बूंदें क्या कहिए आपकी कॉस्टिंग सोडा का विलयन डाला गया है और उसे अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए क्या किया, परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है,
अगर बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यदि वह खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी रंग का हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि आप मान सकते हैं कि उस जो खाद्य पदार्थ है उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है, उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन आपको मिल सकता है। तो अभी हमने प्रोटीन का परीक्षण देख लिया, हमें समझ आ गया कि हम किस तरह से प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं। आगे देखेंगे, अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी तरह से आप कोई भी अन्य खाद्य पदार्थ लेना है और उसको भी आपको इसी तरह से क्या करना है, दोहराना है। अब हम देखेंगे आगे वसा के लिए परीक्षण, वसा। ठीक है, वसा खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकार प्रकाश के सामने लाएं, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको वसा के लिए परीक्षण करना है, तो आप कोई भी प्रकार का खाद्य पदार्थ आपने ले लिया, फिर उसको आपको क्या करना है, एक कागज में लपेटना है, फिर उसके बाद उस कागज में लपेटे हुए खाद्य पदार्थ को किसी भी चीज़ की सहायता से आपको कूटना है, फिर थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, देखना है उसमें आपको कुछ तेल के धब्बे दिखाई देंगे। वह तेल के धब्बे आपको जो है वसा की उपस्थिति है उस पदार्थ में दिखाई देंगे। जैसे कोई चिकना पदार्थ, जैसे कि आपने बादाम ले लिया, ठीक है, बादाम को आप कागज में लपेट कर उसके ऊपर कूटेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसमें से क्या होता है, थोड़ा सा चिकनापन दिखाई देगा आपको, तेल जैसे धब्बे दिखाई देंगे और आपको इस विधि द्वारा जो है वसा की उपस्थिति आप ज्ञात कर सकते हैं। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है, इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यह खाद्य पदार्थ के कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। कभी कभी क्या होता है, खाद्य जो पदार्थ आप ले रहे हैं उसमें क्या होता है, साथ में जल भी होता है, तो आप ये परीक्षण करने के बाद क्या कर सकते हैं, जो जल की मात्रा है उसको सुखाने के लिए आप उसको थोड़ी देर के लिए आप रख सकते हैं, सुखा सकते हैं, उसके बाद वह परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यदि आपने उसको थोड़े समय के लिए रख दिया, उस कागज़ को सुखा दिया और उसमें वो अच्छी तरह से सूख गया, आप देख रहे हैं आपको तेल के डब्बे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि उसमें वसा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हम सारणी यहाँ पर दी गई है आपको, 2.2 खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक। ठीक है, तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ आपको दिए गए हैं, कच्चा आलू, दूध, मूंगफली, बिना पका हुआ चावल, पका हुआ चावल, सूखा नारियल, बिना पकी अरहर की दाल, पकी हुई दाल, किसी सब्जी का एक टुकड़ा, किसी फल का एक टुकड़ा, उबला अंडा यानी सफ़ेद भाग। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, इस परीक्षण जो हम परीक्षण कर रहे हैं, जो अलग अलग परीक्षण की जाँच कर रहे हैं आपको करके, यहाँ पर अगर उसमें ये वस्तुएँ उपलब्ध हैं जैसे मंड, प्रोटीन, वसा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर हाँ लिखना है। इस तरह से आपको सारणी 2.2 खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व हैं अथवा तो नहीं ये कंप्लीट करनी है। चलिए अभी हम आगे देखेंगे, ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिनमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा कि क्या जो एक ही खाद्य पदार्थ लिया, क्या उसमें एक से अधिक पोषक, जैसे कि मान लीजिए उसमें कोई भी आपने चीज़ ले ली, उसमें क्या मंड वसा दोनों होगा या मंड मंड और प्रोटीन दोनों होगा, या फिर किसी में इन तीनों में से कोई भी पोषक तत्व हमें नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम,
हमने तीन पोषकों कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। विटामिन तथा अन्य जो खनिज लवण हैं तथा खनिज लवण हैं जो क्या होते हैं अन्य पोषक, जो इनके अलावा भी अन्य जो पोषक हैं हमारे खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को की हमें क्यों आवश्यकता होती है, जो भी पोषक तत्व हैं पोषक के घटक हैं उनकी ज़रूरत हमें क्यों होती है, तो ठीक है जो ये पोषक हैं जो हैं हमारे क्या करते हैं शरीर की संरचना में वृद्धि करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। 2.2 देखेंगे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के पोषक हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है जो पोषक का जो घटक है वो हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा एनर्जी जिससे हम अलग अलग प्रकार के सॉरी हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं आसानी से। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा एनर्जी देता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, जो वसा है जिसका हमने परीक्षण किया जो, ठीक है, उससे भी हमें क्या मिलती है शरीर में एनर्जी मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे शरीर को जो ऊर्जा देने वाला भोजन कौन से हैं, कौन से घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अब देखिए चित्र 2.3 और 2.4 देखेंगे हम, इसमें कार्बोहाइड्रेट और जो है वसा के कुछ स्रोत दिए गए हैं, उनके घटक दिए गए हैं हमें किस में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमें चित्र दिया गया है यहाँ पर कुछ अन्य खाद्य पदार्थों का, कार्बोहाइड्रेट के कुछ मुख्य स्रोत हैं। तो हमें किस में से प्राप्त होते हैं कार्बोहाइड्रेट, बाजरा चावल गेहूँ शक्करकंदी आलू गन्ना पपीता तरबूज आम और मक्का, ये सब क्या है हमारे, इनमें से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब देखेंगे हम वसा, तो वसा में यहाँ पे दो तरह के कुछ स्रोत दिए गए हैं, पहला तो पादप यानी वनस्पति द्वारा पाए जाने वाले भोजन के घटक और दूसरा जंतुओं द्वारा। तो हम ए में देखेंगे हमें यहाँ पर दिया गया है जो वसा के स्रोत हैं मूंगफली गिरी नारियल तेल सरसों का तेल, ठीक है, और बी में हमें यहाँ पर दिया गया है दूध घी मांस मछली अंडे मक्खन क्रीम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वसा के स्रोत। अब यहाँ हम देखेंगे प्रोटीन के कुछ स्रोत दिए गए हैं आपको, यहाँ पे हमने वसा और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत देखे हैं। आगे हम देखेंगे प्रोटीन के मुख्य स्रोत अर्थात कि हमें प्रोटीन किन घटकों किन भोजन के खाद्य पदार्थ में से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ए में हम यहाँ पर देखेंगे पादप के स्रोत जिनमें से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हमारा चना मूंग तुवर दाल राजमा सोयाबीन मटर, ये हमारे क्या हैं प्रोटीन के पादप के स्रोत हैं जिनमें से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। जंतु के स्रोत देख लीजिए, ये रहा पनीर मछली मांस, ठीक है, अंडे और दूध, इनमें से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, ठीक है। तो जो प्रोटीन की जो आवश्यकता हमें क्यों होती है, तो जो हम प्रोटीन अगर प्रचुर मात्रा में ले रहे हैं तो हमारे शरीर की वृद्धि अच्छे से होगी, हम स्वस्थ रहेंगे। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। तो जो प्रोटीन युक्त जो आहार है हमने जो देखा, ठीक है, यहाँ पर तो वो क्या करता है शरीर वर्धक भोजन कहलाता है, जैसा कि हमने चित्र 2.5 में देखा। आगे हम देखेंगे
विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। तो विटामिन जो होते हैं हमारे, हमको विटामिन, हम आप लोगों ने सुना होगा विटामिन ए, बी, सी, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं हमारे शरीर की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, हमारे शरीर के अलग अलग भागों की रक्षा करते हैं, जैसे आँखों की, अस्थियों की, दांत की, मसूड़ों को क्या करते हैं, स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर को अलग अलग तरह से रक्षित करते हैं। इसलिए विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अर्थात आपने जाना होगा विटामिन बी वन, बी टू, बी ट्वेल्व, ठीक है, क्या सब है हमारे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं। तो हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है, ठीक है। तो विटामिन ए क्या करता है, हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। विटामिन सी से बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी हमारे जो शरीर में बहुत से रोग होते हैं उनसे हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.59 में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है, चित्र अलग अलग प्रकार के, सॉरी यहाँ पे खाद्य व्यंजन दिए गए हैं। हमें किसमें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है तो हम देखेंगे 2.6, चित्र 2.6 में देखेंगे हम विटामिन ए के कुछ स्रोत दिए गए हैं, जिसमें आपको दिया गया है पपीता, गाजर, आम, दूध, ठीक है। तो इनमें से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। अब चित्र 2.7 देखेंगे, विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं जिसमें हमें चावल, गेहूं और यकृत, ठीक है, यकृत हमें विटामिन बी इनमें से हमें प्राप्त होता है। अब विटामिन सी देखेंगे, विटामिन सी में हमारा है अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, ये सब हमारा क्या है विटामिन सी के कुछ मुख्य स्रोत हैं जिनमें से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। अब हमारा है विटामिन डी जिसमें हमारा है मछली, अंडा, यहाँ पे यकृत, मक्खन, दूध, ये सब हमारे विटामिन डी के स्रोत हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कौन से खाद्य व्यंजन में से आपको कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे आयरन के कुछ स्रोत दिए गए हैं, आयोडीन, ठीक है। तो हमें आयोडीन किस में से मिलता है, पालक, यहाँ पर मछली, ठीक है। तो आयोडीन नमक भी सुना होगा, हम नमक होता है, अदरक, इनमें से क्या होता है हमें आयोडीन मिलता है। और फॉस्फोरस भी क्या है हमारे शरीर के लिए पोषक का घटक है, जो हमें यहाँ पर शायद ये चावल, गेहूँ, केला, मिर्च, दूध, इनमें से हमें प्राप्त होता है। लोह के कुछ स्रोत, लोह अर्थात आयरन, हमारे शरीर में आयरन होता है तो उसकी कमी हमें कौन पूरी करता है, पालक, सेब, ठीक है, अमरूद, ये सब कम पूरी करते हैं। अब यहाँ पे कैल्शियम के कुछ स्रोत दिए गए हैं, कैल्शियम हमें किस में से मिलता है, दूध एवं अंडे में से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे चित्र 2.10 में कुछ अन्य जो खनिज के लवण के स्रोत हैं आपको मैंने यहाँ पर आपको दिखाए। अब आगे हम देखेंगे हमारा शरीर, अब पहले के मन में एक सवाल आया है, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। तो आपको पता होगा कि जो विटामिन डी जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है हमें सूर्य से भी प्राप्त होता है, अर्थात कि आप सुबह की जो हल्की जो धूप होती है उसमें से हमें विटामिन डी प्राप्त हो सकता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है।
शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो 2.10 में हमने देख लिया था खनिज लवणों के कुछ मुख्य स्रोत, आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो भी खनिज लवण के स्रोत हैं, विटामिन के जो खाद्य के स्रोत हैं, आपको क्या करने हैं, याद करके रखने हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में आपसे ये सब सवाल आ सकते हैं। आगे देखेंगे हम, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। ठीक है, तो एक खाद्य पदार्थ आप ले रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का जो है पोषक होगा, एक से अधिक प्रकार का भी हो सकता है। जैसे हमने सारणी 2.2 में आपने प्रेक्षण किए होंगे, वसा विटामिन और प्रोटीन का, सॉरी प्रोटीन वसा तथा कार्बोहाइड्रेट एक से अधिक हो सकता है। अब देखेंगे किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। तो जो चावल होता है, आप किसी और, अगर आपको किसी और में कार्बोहाइड्रेट, किसी और खाद्य सामग्री में, पदार्थ में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो उसकी तुलना में जो चावल है वो क्या है, चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। आपको जो चावल में कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण मात्रा में प्राप्त हो सकता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। ठीक है, रुक्षांश के आपको कुछ मुख्य स्रोत दिए गए, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। ठीक है, इनकी भी जरूरत क्या होती है, हमें भोजन के रूप में जरूरत होती है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता, ठीक है, फिर भी हमें क्या होता है, हमें इन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। किसी भी यह हमारे भोजन का अवयव है, फिर भी यह हमारे भोजन का अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो जो जल का कार्य वो क्या करता है, वो उपस्थित जो पोषक हैं उनको अवशोषित करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो जो हमारे शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि मूत्र हुआ, पसीना हुआ, क्या करता है, उन्हें बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम द्रव्य रूप में भी लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। ठीक है, तो इन सब क्या है, यह द्रव्य रूपी आप ले बोल सकते हैं खाद्य पदार्थ, जैसे कि जल, दूध, चाय, कॉफ़ी, ठंडा पेय। ठीक है, इनमें से क्या होता है, इनमें से भी आप जल की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अलावा आप जो भी भोजन पकाते हैं, जैसे आप रोटी बनाते हैं तो आपको आटा गूंदने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। दाल तथा चावल भी आप बनाते हैं तो उनमें भी आपको पानी की आवश्यकता होती है। अब भोजन में आपको पानी की आवश्यकता होती है तो इस तरह से भी आप पानी का प्रयोग कर सकते, पानी का जो आवश्यकता है उससे पूर्ति कर सकते हैं। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे कोई और अन्य जो है, अन्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। तो हम क्रियाकलाप 3 देखते हैं। क्रियाकलाप 3 में देखेंगे हम, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? ठीक है, एक टमाटर और नींबू का कोई फल ले लिया आपने, फिर आपको क्या करना है, छोटे छोटे उसके टुकड़े लेने, काटने, हिस्से करने, फिर क्या करना है, आपको देखना है कि आपका हाथ गीला हो रहा है।
तो आप ये सब चीज़ें काटोगे तो आपका ओबियसली हाथ गीला होगा, क्योंकि उनमें क्या होता है, जल की मात्रा होती है, जल होता है। जब भी आपने आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यान पूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है कि जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? ठीक है, तो आपको ऐसा फल लेना है जिसमें आपको देखना है कि आपको उसको क्या करना है, आपको मसलते या छीलते समय आपको उसमें से पानी या थोड़ा द्रव्य रूप में कुछ आपको दिखाई देगा अपने हाथों में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। अब संतुलित आहार के बारे में हम जानेंगे। संतुलित आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में, हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ने आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम, हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षण तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो संतुलित आहार आपको समझ में आ गया। हमारे भोजन में हर तरह का विटामिन हमको लेना चाहिए, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा हमारे शरीर में जल की भी पूर्ति होनी चाहिए, जिसके लिए आपको जल भी आवश्यकता के अनुसार लेना चाहिए। तथा नुकसान से जो भोजन की बात हुई है, ये सब क्या है, हमारे संतुलित आहार है, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही बना रहता है तथा अन्य बीमारियों से भी हमें लड़ने में सहायता प्रदान करता है। तो आइए हम आगे देखेंगे। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? तो जो हमारा हमारी आयु होती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग एज होती है, उसके वर्ग के हिसाब से क्या हमें आहार लेना चाहिए? क्या आप जानते हैं, सोचते हैं ऐसा कि संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर रहता है? तो आगे देखेंगे हम इसका जवाब। एक ही सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उनका एक चार्ट, उसका एक चार्ट तैयार करना है आपको। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व तो उपस्थित हैं। तो आप जो जो डेली आप खाना खा रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या उसमें आपको एक ही प्रकार का उसमें पोषक तत्व तो उपस्थित हैं? दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज यानी मूंग व चना, किण्वित भोजन यानी दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली, आटे का मिश्रण यानी मिस्सी, रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यव में भी संतुलित आहार खा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्या होता है, कम मात्रा में भी संतुलित आहार आप खा सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना भी पर्याप्त नहीं है, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। अर्थात कि आप उचित प्रकार का भोजन कर रहे हैं तो वही से पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा भी आपको अन्य जो है विटामिन युक्त भोजन लेना चाहिए। इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसमें पोषक तत्व नष्ट ना हो। अर्थात कि आप जो भोजन ले रहे हैं उसे ठीक ढंग से पकाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप भोजन का जो है पोषक तत्व है वो पकाने से भी नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहेली के मन में कुछ सवाल आया है। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी यह सभी अवयव होते हैं और क्या इन्हें भी उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? तो हाँ, तो जो जंतु होते हैं उनके भी जो है अवयव होते हैं, वो भी जो भोजन लेते हैं उनमें भी क्या होते हैं, ये सब ये अवयव पाए जाते हैं और उन्हें भी संतुलित आहार की जरूरत होती है। सभी जीव जो होते हैं उन्हें, सभी जीवों को क्या होती है, संतुलित आहार की, भोजन की आवश्यकता होती ही है। अब आगे देखेंगे।
छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ सब्जियां या कुछ फल होते हैं उनका छिलका निकाल के या उनका छिलका का आप अलग करके उन्हें खाते हैं या धोते हैं तो क्या होता है, उनमें जो विटामिन होता है उसकी कमी हो जाती है, उनमें जो विटामिन होता है नष्ट हो जाता है। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को भी बार बार धोने से क्या होता है, उसमें उपस्थित जो विटामिन होता है, जो खनिज लवण होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हम आगे। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ हम पकाने में कुछ पोषक तत्वों को हानि भी हो सकती है। आप जानते होंगे कि जो भोजन हम पकाते हैं तो इसमें कुछ क्या होता है, कुछ प्रमाण में पोषक तत्व क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और भोजन पकाए बिना क्या होगा, आप उसे ठीक से आसानी से पचा नहीं सकेंगे। तो भोजन जो पकाने से क्या होता है, उसका स्वाद तो बढ़ता ही है, हम सरलता से पचा तो सकते हैं, परंतु क्या होता है उसमें कुछ पोषक तत्व तो जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। तो कई बार क्या करते हैं, हम भोजन पकाते समय उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल देते हैं, जल डाल देते हैं, फिर वो भोजन पकने के बाद क्या करते हैं, हम पानी को निकाल कर फेंक देते हैं, तब भी उसमें क्या होता है, प्रोटीन तथा खनिज लवणों को क्या होती है, हानि होती है, हमें वो खनिज लवण और प्रोटीन हमें प्राप्त नहीं हो पाते। ठीक है, तो खाना बनाते समय, भोजन पकाते समय हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पकाने से विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आहार में जो है फल और कच्ची सब्जियों का भी उपयोग करना चाहिए। बुजुर्गों ने सोचा है कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन नहीं है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। ठीक है, तो एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन है आपका, एक कटोरी वसा युक्त जो भोजन आपका है अधिक ऊर्जा देगा, क्या ऐसा नहीं होता? अतः उनसे तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। ठीक है, तो ये जो वसा युक्त भोजन है आपका, वो आपको ऊर्जा तो प्रदान कर रहा है परंतु आपके शरीर के लिए ज़्यादा कुछ नुकसानकारक भी हो सकता है। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। आप अधिक प्रमाण में वसा युक्त भोजन खा रहे हैं, जैसे कि वसा युक्त भोजन में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं, जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब क्या है, वसा युक्त भोजन है। आप इसे हर रोज अधिक प्रमाण में खा रहे हैं तो आपके शरीर के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। आप अधिक प्रमाण में वसा युक्त भोजन ले रहे हैं तो ये आपके मोटापे का कारण यानी फैट का कारण बन सकता है। अब 2.4 देखेंगे, अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव में ग्रसित हो जाता है। अर्थात कि कोई व्यक्ति आप भोजन पर्याप्त मात्रा में भोजन ले रहा है पर क्या होता है, कभी कभी उसमें पोषक की कमी हो जाती है और यह पोषक की कमी लंबे समय तक हो रही है तो उसमें क्या होता है, वो व्यक्ति अभाव से ग्रसित हो जाता है, अर्थात कि कोई अन्य अभावजन्य रोग उससे हो जाता है। एक या उससे अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो रही है हमारे शरीर में, हम भोजन में वो पोषक तत्व नहीं ले पा रहे हैं अथवा नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभावजन्य रोग जो है वो किस कारण से होता है और क्या होता है।
ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिस आदि। ठीक है, तो जो कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पा रहा तो उसको किस तरह के रोग हो सकते हैं, जैसे उसके शरीर की जो वृद्धि है वो अवरुद्ध हो जाएगी, यानी आगे बढ़ना वह बंद हो जाएगी, चेहरे पर सूजन दिखाई देगी, बालों का रंग, आपने देखा होगा कि कुछ कम ही उम्र में क्या होता है, बालों के रंग सफ़ेद हो जाते हैं, त्वचा की बीमारियां, पेचिस जैसी अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। ठीक है, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कमी होगी तो वह व्यक्ति क्या होगा, बहुत ही दुर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, चलने और चलने फिरने में भी उसे बहुत परेशानी हो सकती है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां हो सकती हैं, इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाया गया है। विटामिन और खनिज की कमी से यानी अभाव से विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, जो हम सारणी 2.3 में अभी आके देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे सभी अभावजन्य रोगों को की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। ठीक है, तो संतुलित आहार आप ले रहे हैं, पूर्ण मात्रा में ले रहे हैं, तो अभावजन अगर आपको रोग है तो वो क्या कर सकता है, उसकी भी कमी आपको पूरी कर सकता है, आपको उन रोगों से भी ठीक कर सकता है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। ठीक है, तो अलग अलग राज्य में, जैसा कि हमने आगे पढ़ चुके हैं कि अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के भोजन का उपयोग होता है, परंतु अलग अलग होने के बाद, क्षेत्र होने के बाद भी उनमें क्या होता है, वही उसी प्रकार के पोषक तत्व भी सामान्य होते हैं। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। आप देखेंगे यहाँ पे सारणी 2.3, यहाँ पर विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग यानी विकार के बारे में बता गया है। आपको विटामिन यानी खनिज अभावजन्य रोग यानी विकार और लक्षण, ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग यहाँ पर होता है, विटामिन ए की कमी से यहाँ पे आपको हो सकता है श्रेणता यानी दृष्टिहीनता। इसके लक्षण हैं कमजोर दृष्टि, अंधेरे यानी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी क्या होता है पूरी तरह से दिखाई देना ही बंद हो जाता है विटामिन ए की कमी से। अब विटामिन B1, ठीक है, तो इससे हमें क्या हो सकता है, बेरी बेरी रोग हो सकता है, और उसके लक्षण क्या है हमारे, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। तो क्या होता है, काम करते करते क्या होती है, थकान हो जाती है, हम वो कार्य नहीं कर पाते, तो वह विटामिन B1 की कमी से हो सकता है। और आगे यहाँ पे दिया गया है विटामिन सी, जिससे हमें स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग में होता है मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, कभी कभी क्या होता है कि आपको घाव लग जाती है, चोट लग जाती है, तो उसे सूखने में, उसे ठीक होने में बहुत समय लग जाता है। ऐसा क्यों होता है कि इससे आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है, आप इसे जान सकते हैं। अब विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स रोग होता है, जिससे हमें उसके लक्षण है अस्थियों का मुलायम होना अथवा मुड़ जाना, ठीक है। अब कैल्शियम की कमी से आपको हो सकता है अस्थियां और दंत श्रय, अर्थात कि कमजोर अस्थियां होते हैं और दंत क्षय यानी जो दांत से रिलेटेड कोई बीमारी होती है वो हो सकती है। अब आयोडीन आप तो जानते ही होंगे, आयोडीन कमी से क्या होता है, घेंगा यानी गाइटर, देखा होगा आपने जो गले में बहुत सूजन आती है, गला एकदम फूल जाता है, ठीक है, इससे गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाना। लो अर्थात आयरन कमी से क्या होता है, अरक्तता यानी कमजोरी हो सकती है। इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पे विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उनमें दिखाई देने वाले लक्षण। अब यहाँ पे प्रमुख शब्द आप देख लीजिए, प्रमुख शब्द हमने इन सब के बारे में इस चैप्टर में जाना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, सारांश दिया गया है यहाँ पर,
ठीक है, हमने चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या पढ़ा वो आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको देख लेना है। अब आपको होमवर्क में अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, अभ्यास के प्रश्न यहाँ पे आपको पूरे करने हैं। 5 प्रश्न की दिए गए हैं। पहले प्रश्न में आपके हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के आपको नाम लिखने हैं, दूसरे में निम्नलिखित के नाम लिखिए, तीसरे में आपको यहाँ पर 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तो होते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपको सही गलत दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो ये अभ्यास के आपको ये 5 प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 भोजन के घटक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।